यहाँ से व्यू दिखता है आगे का? दिखता है। क्या दिखाते हैं आप? ये पाकिस्तान का गांव देखेगा जी। तो आपके रिश्तेदार रिलेशनशिप वहाँ पे भी होंगे? हाँ जी। कभी पुराने? हाँ, हमारा माँ बाप उधरे रह गया। अच्छा। वो पहले शादी किया था, वो बीवी भी उधरे रह गया। कल तो गाड़ी को 3 बार हीटर देना पड़ा था, आज देखते हैं। रात को ठंड थी पर इतनी नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि हीटर की जरूरत पड़ेगी आज। चेक करते हैं। एक हीटर तो नेचुरली लेती है, पहला हीटर काफ़ी लंबा लेती है, मैंने देखा है, इसका नोटिस किया है। चाहे गाड़ी गर्म भी हो तब भी थोड़ा सा लंबा ही लेती है। गया, देखते हैं। जी हाँ, एक सेल्फ में हो गई, रीडिंग हो गई है 13,642। घर से चला था मैं 12,311 पे, लगभग 1300 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है गाड़ी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंदर। रात को बहुत तेज़ हवा चलती रही, पूरी रात टेंट आवाज़ करता रहा। दिन में हालांकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया इतनी तेज़ हवा चल रही है, बट रात को बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो सुबह के बज गए अभी 6 और हमने चाय बना ली अपने बर्नर पे, पी भी लिए और रेडी हैं, जा रहे हैं तुरतुक। तुरतुक यहाँ से है 80 किलोमीटर और गूगल के हिसाब से लगेगा 2.5 आवर। तो शेयर करता रहूँगा जर्नी आपके साथ, देखते हैं कैसा रास्ता है और समय कितना लगेगा। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो सफ़र की शुरुआत हो गई है। सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके अकॉर्डिंग तुरतुक है यहाँ से लगभग 77 किलोमीटर। सड़क बिल्कुल प्लेन है, सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। बुरका फाइन चल रही है और हम भी ओके हैं, और क्या चाहिए एक सुनहरी सुबह के लिए। मैंने कई जगह ऐसे छोटे छोटे टेम्पल की शेप के स्ट्रक्चर देखे हैं जिनके बारे में मुझे तो ज़्यादा नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कॉमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। बाकी मेरे हिसाब से ये बौद्धिस्ट के छोटे टेम्पल हो सकते हैं, एंड दे आर लुकिंग ग्रेट। इस रूट पर नज़ारे बहुत आउटस्टैंडिंग है। दूर दूर तक आपको ऊंचे ऊंचे माउंटेन दिखाई देंगे जो वीडियो में शायद आपको छोटे लग रहे हों पर रियल में बहुत बड़े हैं, आसमान को छू रहे हैं। इनका कलर भी कोई फिक्स नहीं है, कोई डार्क ब्राउन है, कोई लाइट ब्राउन है, कोई पिंक है, कोई लाइट येलो है, यानी कि आपको सारी शेड लगभग कलर्स की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। मुझे काफ़ी देर हो गया चलते, मुझे शायद ही कोई टूरिस्ट या कोई लोकल गाड़ी आसपास अपने चलते दिखी है, और एक दो दुकान ही मुझे ऐसा याद है मुझे देखने को मिली होगी जहाँ पर आप चाय या वाटर बॉटल खरीद सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। मेरे लिए तो ये जगह जन्नत है क्योंकि मैं पसंद ही करता हूँ ऐसी डेजर्टेड लोकेशन को जहाँ पर कम से कम टूरिस्टों और बस नेचर हो, कामनेस हो और मैं उसको इंजॉय कर सकूँ। ये आ गया है इस रूट का दूसरा गांव और यहाँ बौद्धिस्ट कल्चर शुरुआत से दिखाई दे रहा है। आई थिंक इस रूट के ऊपर मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो बौद्धिस्ट कल्चर की ही है। पत्थर माउंटेन पे ऐसे लटके हुए हैं कि कभी भी गिर सकते हैं, ऐसा लगता है देखने से। लिटरली ऑफ रोड है बट गुरखा इंजॉइंग इट एंड वी आर ऑल्सो इंजॉइंग इट। वाओ, इस टाइप का ब्रिज मुझे याद दिलाता है 2010 के आसपास वाले लद्दाख को। उस समय इस तरह के ब्रिज और सड़कें काफी खराब होती थी। खैर आजकल तो लद्दाख में बहुत अच्छे सड़कें हो गई हैं। सामने के व्यू को देखिए, शायद ही कोई कलर बचा होगा जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। वाकई के अंदर मैं हैरान हो रहा हूं यहाँ की ब्यूटी को देख के। बहुत बहुत समय के बाद हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वुडन ब्रिज। मानो या ना मानो, सच में थ्रिलिंग है। जो वाइब्रेशन और साउंड आ रही है वो मन को ना बिल्कुल थ्रिल्ड कर रही है।
हम पहुंच गए अभी बोगडांग, 54 किलोमीटर है ये हुंदर से। तो ये चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है और अपना परमिट दिखाना पड़ता है। यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत आती है, और यही इस रूट का सबसे ऊंचा पॉइंट है। मैंने भी पूछा यहाँ पे आर्मी ऑफिसर से, वो कह रहे हैं कि तुरतुक से शायद थोड़ा सा और आगे जाने दें बॉर्डर तक, बाकी चल के देखते हैं कि कितनी दूर तक जा सकते हैं, क्या हम बॉर्डर लाइन तक जा सकते हैं। आप व्लॉग करते हुए देख रहे होंगे मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन शायद बहुत कम है। तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा, इनकेस आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने साथ या तो कोई पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद डायमॉक्स टेबलेट ले सकते हैं। बाकी मेरे को आज पांचवा दिन है, हम अच्छी हाइट पे भी गए हैं, उसके बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी। ये है हमारा पहला और पॉपुलर सा गाँव जो हमें देखने को मिला है। अगर मैं सही हूँ तो शायद इस जगह का नाम होगा बोगडांग। ये कौन सा गांव है जी? ये बोगडांग गांव है सर। बोगडांग? अच्छा अच्छा, बोगडांग। अच्छा पीछे तो चौकी आई थी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पीपल हेयर आर वेरी फ्रेंडली, और शायद यहाँ पे आपको होम स्टे फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि काफी बड़ा गांव लग रहा है। एक और वुडन ब्रिज, और इस पे ध्यान दीजिए, कुछ लकड़ी के स्लैब तो टूटे हुए दिख रहे हैं। भाई इस तरह का एक्सपीरियंस अपने आप में अलग होता है, क्योंकि नीचे है काफी गहरे पर नदी और हम हैं हैवी वेट फोर्स गुरखा में, और अगर ब्रिज वुडन हो तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है कि कहीं कोई स्लैब जो है वो टूट ना जाए, या थोड़ा सा जिस तरह स्विंग कर रहा है वो थोड़ा सा एडवेंचरस रहता ही है। यहाँ से तुरतुक रह गया कोई 9 किलोमीटर, और मैंने यहाँ पे होम स्टे देखा था, जगह है शायद बालती, बालती लिख रखा था BALTI। अगर आप तुरतुक आ रहे हैं और इनकेस आप लेट हैं या आपको स्टे करना है, तो यहाँ पे होम स्टे के अंदर आप पता कर सकते हैं। सामने जो आपको दूर पीछे माउंटेन दिख रहे हैं, ये माइट भी हो सकता है इसमें BOK का एरिया लगता हो, क्योंकि 9 किलोमीटर यहाँ से है तुरतुक, और तुरतुक से 5 किलोमीटर आगे जगह का नाम थोड़ा अलग सा था तो मेरे को याद नहीं है, वहाँ तक ही जाने देते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। नो मैन्स लैंड भी अगर लगाएं 5-4 किलोमीटर का तो 20, तो पहाड़ जो है ये लगभग 20 किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा हैं। श्योक रिवर अब रोड के बिल्कुल पास आ गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी और मेरी। मैंने बहुत से फेमस यूट्यूबर की वीडियो में देखा है, वो ऐसी चीज दिखा देते हैं जो उन्हें नहीं दिखानी चाहिए। मैं कोई हेट नहीं फैला रहा और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ, बट मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है। देखिए एक बात मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि बीच में कई जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यूज आए थे, पर साथ में थे हमारी भारतीय सेना के बंकर या उनकी डिफरेंट पोस्ट या उनके कुछ ऐसे सीक्रेट जो वीडियो के अंदर मुझे नहीं दिखाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो न आज न कभी आगे अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे मेरे राष्ट्र की सुरक्षा को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे। सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड जिसपे लिखा है वेलकम टू तुरतुक विलेज। तुरतुक विलेज इंडिया और POK के पास एक बहुत ही प्यारा सा गांव है। चलिए आपको इस गांव का व्यू दिखा देते हैं। बक वीट कैंपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है यहां पे, क्योंकि मैंने अभी देखा है बहुत अच्छी दिख रही थी। काफी बड़ा गांव है तुरतुक, और आप रोड साइड दोनों तरफ देखेंगे तो काफी स्टे ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि होम स्टे भी दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में कहीं ना कहीं कैंपिंग साइट भी दिखाई दे रही है। हमने अब तुरतुक विलेज को क्रॉस कर लिया है और जा रहे हैं, याक्षी है शायद जगह का नाम, तो वहाँ पे है बॉर्डर। जी हाँ, याक्षी 2 किलोमीटर, याक्षी नाम की शायद साइलेंट है। मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रहा हूँ कि रिमोट एरिया है ये, तो मैं भी आने से पहले ये देख रहा था कि कोई ऐसा मेरे को रोड का क्लियर कट व्यू मिल जाए
कि भी कैसा रोड कंडीशन है, कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, बट मेरे को ज़्यादा कुछ मिला नहीं। सामने दिख रहा है मुझे बैरिकेड, आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे इंडिया और POK का बॉर्डर है। तो यहाँ पे आपको अपने व्हीकल की एंट्री करानी पड़ती है, एंड दिस इज़ माय फोर्थ व्हीकल फॉर दिस डेट के जो हम आगे जा रहे हैं। तो ये बताने यहाँ से तीन किलोमीटर आगे बॉर्डर है, वहाँ तक जाने देंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। मेरे पीछे चेक पोस्ट जहाँ पे आपको अपनी आईडी सभी की, जितने भी टूरिस्ट होंगे उनको दिखानी पड़ेगी, और मेजर आईडी को रख लेंगे, वो वापसी में मिलेगी। मैं आपको ये जगह इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा क्रिएटिव सा आइडिया लगा, और चेक पोस्ट मैं बनाऊँगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो मैं वीडियो नहीं बनाता। तो ये मेरे को थोड़ा क्रिएटिव लगा तो मैं बना रहा हूँ। पत्ते देखिए पेड़ के, ये भी टिन के काट काट के बना रखे हैं, और आई थिंक जो ये कूड़ा है उसको मैनेज किया हुआ है और एक मैसेज दिया हुआ है कि यहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं। याक्षी गांव के अंदर जो बैरिकेटिंग जहाँ पे मैं आपको पेड़ का वीडियो दिखा रहा था वहाँ पे है, मुझे लग रहा था याक्षी गांव से ही बॉर्डर का एरिया होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। याक्षी से कोई 3 किलोमीटर हमें बताया कि आगे जाना होगा बॉर्डर के लिए, तो गांव का नाम मुझे नहीं पता, ना कोई यहाँ पे बोर्ड है। बाकी वहाँ जाके अगर वीडियोग्राफी अलाउड करेंगे तो आपके हाथ में शेयर करता हूँ। और बिल्कुल बॉर्डर के पास ऐसा सीन, मज़ेदार। वेलकम टू द बॉर्डर। ये आ गया है गांव, और आई थिंक ये लास्ट गांव होगा। वैसे मैं पीछे भी यही सोच रहा था, आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग अगेन एंड अगेन, लास्ट। तो माइट बी इट इज़ द लास्ट। तो देखते हैं बॉर्डर अब कितना दूर रह गया है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यू आर 22 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान मात्र 22 किलोमीटर रह गया यहाँ से। मैं थोड़ा सा गलत आ गया था, जो अभी लेफ्ट के अंदर सड़क जा रही है ऊपर कच्ची सी, इससे हमें जाना पड़ेगा। तो अभी आगे जाके मोड़ के चलते हैं ऊपर, बोर्ड लगा हुआ है 200 मीटर। ओके, कंडीशन को देख के अब मैं एंगेज कर रहा हूँ 4x4 हाई। कौन है ना?
फाइनली वी आर एट इंडो पाक बॉर्डर। आगे बैरिकेटिंग कर रखी है, तार लगा रखी है, मैं वहाँ पे भी चल को आपको सीन दिखा दूंगा। और इधर मेरे पीछे है एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप आके खाना ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जब आप पहुँचें। और एक यहाँ पे नीचे भी है, यानी कि दो तीन यहाँ पे शॉप्स हैं। और जो लास्ट के 200 मीटर हैं इट इज़ टिपिकली ऑफ रोड। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इफ़ यू आर 4x4 व्हीकल या आपके पास कोई हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल हो तो ही यहाँ पे आइएगा। अदरवाइज आप जहाँ पे मैं पहले गलती से गया था, मैं अभी एडिट में उस क्लिप को लगा दूंगा, वहाँ पे गाड़ी पार्क कीजिए। और पैदल का 200 मीटर है, कोई ख़ास नहीं है, तो आप आराम से पैदल आइए। व्हीकल सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग। तो चलिए आपको यहाँ का पहले एक बार सारा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। Proudly standing at Thang, India's northmost last village. देखिए ये लगा रखी है कांटे वाली तार। इससे आगे आप नहीं जा सकते। ये भारत और वहाँ आगे कहीं होगा पाकिस्तान। यहाँ से व्यू दिखता है आगे का? दिखता है। क्या दिखाते हैं आप? ये पाकिस्तान का गांव देखेगा जी। अच्छा, जो ये लिख रखा है आज फारनू दिखता है से? अच्छा, कितना दूर होगा वैसे फारनू? फारनू से कितना? 3 किलोमीटर होगा। अच्छा, पर बीच में बॉर्डर होगा ना, वैसे जा नहीं सकते? हाँ, या पैदल जा सकते हैं? नहीं, पैदल अभी कहाँ, अभी 50 साल हो गया आना जाना बंद। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान बाउंड्री है ना। जी 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 जी। तो आपके रिश्तेदार रिलेशनशिप वहाँ पे भी होंगे? हाँ जी, कभी पुराने? हाँ, हमारा माँ बाप उधर रह गया। अच्छा, वो पहले शादी किया था, वो बीवी भी उधर ही रह गया। अच्छा, फिर मैं अकेला इधर ही रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ अचानक, मतलब आपको भागना पड़ा? इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई हो गया है अगस्तर में जी, कि ब्योलांग गाँव अपने इंडिया का कब्जे में था। वो ये चुलुंग का बोलता है, लंबा सा गाँव था, वो पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर क्या हो गया, अगस्तर में लड़ाई चल गया दोनों। फिर ये चुलुंग का से 4 गाँव अपने इंडिया ने आज़ाद कर लिया, चुलुंग का 1, 2, 83 थंग। फिर हम इधर ही था, माँ बाप उसी भी ज़मीन था हमारा, वो फ्रनू बोलता है ना आपको देख रहा है उसी गाँव में। अच्छा, उधर ही 10 महीना रहता था, इधर 2 महीना रहता था। फिर इधर खाद बनाने के लिए मैं इधर बैठा था। खाद बनाने के लिए? हाँ, वो हम लोग तो जो देसी खाद लगाता है ना। अच्छा, केचुए वाली? खेत में। फिर इधर 2 महीने केचुए वाली देसी खाद? हाँ हाँ। अच्छा, फिर वो गई लेकर के इधर खाद बनाने के लिए, ऐसा मैं अकेला था, बहन भाई कुछ ही नहीं था। फिर माँ बाप को देने के लिए बीबी गुजर रखा था, शानू में हम इधर 2 महीने के लिए आया था। फिर अचानक इंडिया का फौज पहुंच गया। अच्छा, पहले चुलुंग का आज़ाद किया, इसके बाद तुरसुक आज़ाद किया, इसके बाद क्यासी आज़ाद किया। फिर 4 दिन में थंग में पहुंच गया, फिर थंग भी आज़ाद कर दिया अपने इंडिया। फिर मैं इधर फंस गया, माँ बाप जो बीबी उसी गाँव में फंस। ये कारगिल वार की बात कर? नहीं नहीं, 71 का जी। अच्छा, 1979 में हो गया। कारगिल वार में भी तो तुरतुक का हुआ था ना? नहीं, हो गया था, जो फायरिंग हो गया था वो कोई आगे पीछे नहीं हो गया। तो यहाँ पे फायर आता था कारगिल वार में? तो क्या शेलिंग होती थी? हाँ, शेलिंग आ गया। तो भी वैसे इधर मतलब उनकी आर्मी भी आ गई थी पाकिस्तान की? नहीं नहीं, इधर तो कोई नहीं आता। अच्छा, एक दो दिन पहले। अच्छा, बस वो शेलिंग होती थी? हाँ हाँ, फेर हो गया, दोनों तरफ से फेर हो गया। तो आपके लिहाज से पाकिस्तान कौन सी पहाड़ी पे होगा, आप दिखा सकते हैं? क्या पहाड़ी? यही है ना जी, यही वो नदी जा रहा है ना। हाँ, यही नदी का नाम है शायोक है। हाँ, नदी को उस तरफ जो गाँव देख रहा है ना, वो पाकिस्तान का ही। मुझे आगे दिखाई दे रहा है, नदी दिख रही है मुझे। हाँ, नदी के ऊपर रास्ता दिख रहा है। हाँ, उसके ऊपर एक मैदान सा है। हाँ, ग्राउंड सा है, बीच में बंकर है। हाँ, वही है ना? हाँ, वही है। और उसके पीछे जो बिल्डिंग वगैरह दिख रही है, फारनू होगा? हाँ हाँ, वो फारनू है, सिविलियन का गार्ड है जी, वो फारनू बोलता है। तो मेरे हिसाब से तो फिर ये होगा कि रिवर ही बस बॉर्डर है। हाँ हाँ जी।
ये नदी बोर्डो दे नदी का पार पाकिस्तान है, नदी का इस तरह भारत है जी। इसमें दबा के देखूँ गोपरो कुछ बात मैंने सोचा, पहले तो इसको उतरो। सब भाइयों देख लो कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको, मैंने आखिरकार दिखाई दी पाकिस्तान की चौकी। ये गांव और पीछे जो आप पेड़ों के बीच में गांव देख रहे हैं ये है फारनो, और आपको छोटी सी इसके अंदर जो बाहर दिख रही है ये है पाकिस्तान की चौकी पोस्ट। तो बॉर्डर पे आए और इंडिया के नॉर्थ मोस्ट विलेज के अंदर खाना ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आ गए। यहाँ पे चाय वाय लेते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं लेंगे क्योंकि अंदर जाके फिर प्रॉपरली कुछ खाए पिएंगे। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। आप देख ही रहे हैं एफर्ट बहुत होता है और आपका एक एक लाइक एक एक कमेंट हमें इंक्रेज करता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ टेक केयर गुड बाय। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यू आर एट इंडो पाक बॉर्डर। यस।